हे गाइस, मैं राखी चंचल। मेरे चैनल जर्नी स्टार्टेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ एक रिव्यू वीडियो, जो कि है स्टेमियो ब्रांड की। जी हाँ, ये एक न्यू लॉन्च ब्रांड है जिसका कि आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ, जो कि है स्टेमियो। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि 100% नेचुरल है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड साथ के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो चलते हैं। एक स्टेमियो प्रोडक्ट हॉल जिसका कि हम रिव्यू कर रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपकी स्किन और हेयर दोनों के लिए है और ये आपको 100% नेचुरल प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है। एंड ये प्रोडक्ट न्यू लॉन्च हुआ है जिसमें कि आपको अलग अलग बेस प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जैसे कि हेयर से रिलेटेड हो गया एंड स्किन से रिलेटेड हो गया। और यहाँ पे काफी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, जो कि मैंने इनमें से कुछ यूज कर लिए हैं, कुछ नहीं किए हैं और आज सभी का रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है आंवला भृंगराज विद बादाम रोगन हेयर ऑयल और ये 100% नेचुरल। तो इसके साथ साथ इसमें बताया गया है कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको ये दिखाती हूँ शैम्पू। तो यहाँ मैं इसको सबसे पहले ऑयल को खोल के दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कैसा है। तो ये है यहाँ पे इसका ऑयल और इसमें और इसके साथ में दिया हुआ है ये एप्लीकेटर, जिससे कि आपको अपने बालों में ऑयल करने में आसानी होगी। तो मैंने जब इसको यूज़ किया था तो ये सच्ची में बहुत अच्छा है। जैसे कि इसमें भृंगराज दिया हुआ है तो नेचुरल प्रोडक्ट की इसमें बहुत ही अच्छी स्मेल थी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि केमिकल बेस हो, वैसा कुछ भी नहीं लग रहा था। तो मैंने इसको यूज़ किया एंड इसके साथ मैंने यूज़ किया था इसका शैम्पू। तो ये है यहाँ पे इसका शैम्पू। ये देखो, ये मैंने निकाल के खोल के रखा हुआ था। तो ये है इसकी बोतल। तो ये भी सेम स्टेमियो आंवला भृंगराज विद बादाम रोगन शैम्पू है और इसमें और सेम मैं इसकी क्वांटिटी बता देती हूँ। तो ये है 200 ml एंड इसके प्राइस भी सेम है, 447 का ये दिया हुआ है। अगर आप लेना चाहते हो तो इन्हें कॉम्बो में भी ले सकते हो, ये दोनों आपको कॉम्बो में रिसीव हो जाएंगे। अदरवाइज आप इन्हें अलग अलग लेना चाहते हैं तो आप अलग भी ले सकते हैं, बस इनका जो बेनिफिट है, जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, वो दोनों का साथ में ही देखने को मिलेगा अगर आप पहले ऑयल करते हो उसके बाद शैम्पू करते हो। एंड इनका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है, तो आप वहां जाके चेक कर लेना। एंड अगर आप इसका शैम्पू यूज करते हो तो ये बहुत ही ज्यादा माइल्ड होता है। माइल्ड क्या होता है, जिसमें जितने प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं सारे 100% नेचुरल होते हैं। इसमें जब आप फ्रेग्रेंस की बात करें तो इसमें कोई भी डुप्लीकेट फ्रेग्रेंस नहीं है। जो भृंगराज की चीज़ें होती हैं, आंवला, रीठा और जितनी भी इसमें यूज़ की गई हैं, तो इसमें मैं बताती हूँ, नीम, आंवला, तुलसी, अरीठा, शिकाकाई, बादाम रोगन, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। तो सेम जो फ्रेग्रेंस है वो इन्हीं सब चीज़ों की है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैंने ये यूज़ किया हुआ है। तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ स्किन केयर प्रोडक्ट, जो कि है पपाया जेल एंड कुकुम्बर जेल और साथ में है एलोवेरा जेल। तो ये भी तीनों जेल हैं वो 100% नेचुरल हैं। आप इन्हें कॉम्बो में लेना चाहें तो ये भी आपको कॉम्बो में बहुत ही इजीली मिल जाएंगी। अगर अलग अलग लेना चाहें तो अलग अलग भी मिल जाएंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ बात करती हूँ तो कुकुम्बर जेल की, जो कि बहुत ही अच्छी है नेचुरल चीज़। मैं इसमें एक और बताती हूँ, जैसे कि आपने और भी प्रोडक्ट खरीदे होंगे, अगर आप कुकुम्बर जेल ही ले लीजिए तो होता है कि हल्का फुल्का कलर ज़रूर होता है इसमें। तो और यहाँ पे देखिए, ये एकदम ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से यहाँ ये मेरी फिंगर्स दिखाई दे रही हैं एंड हैंड पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड माइल्ड है। जब आप इसे अपने फेस पे यूज़ करते हो तो आपको बिल्कुल भी हैवीनेस नहीं लगती, बहुत ही लाइट प्रोडक्ट है ये इनका। स्टेमियो ब्रांड का है तो काफ़ी अच्छा है, इन्होंने यहाँ पे 100% प्योर दे रखा है कि इसमें कोई केमिकल नहीं है। और यहाँ पे नेट वेट है इसका 200 ml और प्राइस है इसका 347, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा जेल है, प्योर एंड नेचुरल फॉर ऑल स्किन टाइप। अगर आपकी स्किन कैसी भी है, ऑयली है, ड्राई है या फिर नॉर्मल है, तो या फिर आप किसी भी स्किन टाइप के हो, आप ये कुकुम्बर जेल यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद है ये एलोवेरा जेल। इसकी पैकेजिंग मैंने खोली नहीं है, अभी आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो ये जो जेल है ये भी 100% नेचुरल है और यहाँ पे
कोई भी कलर यूज़ नहीं किया गया है इन जेलों में। नॉर्मल आप देखते हो एलोवेरा जेल में एलोवेरा दिखाने के लिए कुछ ग्रीनिश कलर दे देते हैं, बट इसमें कोई कलर नहीं है। जो एलोवेरा का जो पल्प होता है सेम वैसे ही ये एलोवेरा डायरेक्ट दी हुई है। यहाँ पे ये सील पैक है तो मैं इसे खोलती हूँ। बाकी का मैंने यूज़ किया हुआ है पपाया जेल एंड कुकुम्बर जेल, एलोवेरा जेल यूज़ नहीं किया है। इसकी फ्रेगनेंस, कोई फ्रेगनेंस नहीं है इसमें, क्योंकि होता है ना कि सेल करने के लिए फ्रेगनेंस डाल दी जाती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई फ्रेगनेंस नहीं है। और मैंने यहाँ अपने हाथ पे इसको यूज़ किया है, ये देखो काफ़ी अच्छा और सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील हो रहा है। तो इसके बारे में भी मैं बता दूँ, ये समर के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप समर में ये यूज़ करना चाहते तो आप इन्हें पहले अपने फ्रिज में रखिए एंड उसके बाद अप्लाई कीजिए। ठंडा ठंडा आपके फेस पे भी फील होगा और आपको काफ़ी अच्छा और नेचुरल प्रोडक्ट रिसीव होंगे। तो यहाँ मैंने आपको प्राइस और वेट इसका पता ही दिया है, बाकी का इसके आगे चलते हैं पपाया जेल। तो यहाँ है मेरे पास पपाया जेल, ये स्किन के लिए हैं। और यहाँ पपाया जेल की बात करें तो इसमें भी कोई कलर नहीं है, ये सेम तीनों देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा, क्योंकि तीनों ही ये जेल फॉर्म में है और कलर बेस भी सेम है इनका। देखिए यहाँ भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, एकदम ट्रांसपेरेंट। इसके अंदर भी कोई फ्रेगनेंस नहीं है और ये काफ़ी अच्छा है। और इसका प्राइस है 347 और वेट है 200 ml। तो वेट इनका सेम है। नॉर्मल मैंने जब पपाया जेल एक बार यूज़ किया था तो उसमें ऑरेंज कलर था, ऑरेंज शेड था, बट इसमें कोई ऑरेंज शेड नहीं है। जिसके बेनिफिट्स बताए गए हैं, टेंड टू लाइकन डार्क स्पॉट्स, अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं एंड दाग धब्बे हैं फेस पे, टैनिंग हो गई है, तो उस सब के लिए ये बहुत ही अच्छा जेल है। एंड नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हेयर केयर प्रोडक्ट के साथ। तो यहाँ पे है मेरे पास शिकाकाय भेंगराज और हेबिकस फ्लावर पाउडर। तो अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी जो है वो है हेयर केयर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ है रीठा पाउडर। तो इसको हम ओपन करेंगे और इसको देखेंगे कि ये कैसा है। इसकी जो फ्रेगनेंस है बिल्कुल एकदम रीठे की जैसी आ रही है। और यहाँ पे ये देखो पाउडर फॉर्म में है ये। आप इसे अपने हेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे पानी में ऐड करके और अपने बालों पे लगा लें, चाहे तो दही ले लें, या फिर काफ़ी लोग जो हेयर की सेफ्टी के लिए मेहंदी लेते हैं, मेहंदी में ऐड करते हैं रीठा आंवला शिकाकाय वगैरह। तो ये सब आपको अलग अलग कंटेनर में मिलती है। अगर आप चाहें तो कॉम्बो पैक मंगा सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपको अलग भी मिल जाएगा। तो ये है यहाँ पर रीठा पाउडर और ये है नो एडिड केमिकल नेचुरल हेयर केयर प्रोडक्ट है ये। साथ में जो इसका वेट है वो है 50 ग्राम और जो इसका प्राइस है वो 97 रुपीज़ है। तो आप इसको ज़रूर मंगाइएगा, ये बहुत ही अच्छा और नेचुरल प्रोडक्ट है। इसके बाद है यहाँ पे हेलिकस फ्लावर पाउडर। तो ये भी सेम नो एडिड केमिकल नेचुरल हेयर एंड स्किन केयर है, प्योर एंड नेचुरल यहाँ लिखा हुआ है। जब आप मंगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सेम इसके भी प्राइस है 50 ग्राम, इसकी क्वांटिटी दी हुई है 107 रुपए का है ये फ्लावर पाउडर। तो यहाँ मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको। तो ये है वो फ्लावर पाउडर जो कि आपके हेयर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और यहाँ पे कोई कलर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आपने देखा होगा जब हम फूलों को सुखाते हैं तो जो उसका नेचुरल कलर होता है वो डल हो जाता है। अदरवाइज और प्रोडक्ट आप रिसीव करेंगे हेबिकस फ्लावर के लिए तो वहाँ पे वो कलर ऐड करते हैं जिससे कि नेचुरल फ्लावर का जो कलर होता है वो आपको दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है। जो सूखने के बाद जो पत्तियाँ रह जाती हैं, जो नेचुरल कलर आता है सेम वही कलर दिया हुआ है। मुझे किसी की भी फ्रेगनेंस नहीं आ रही है, ये एक नॉर्मल पाउडर लग रहा है, लेकिन ये 100% नेचुरल है क्योंकि सूखने के बाद किसी भी चीज़ की फ्रेगनेंस नहीं आती है। बहुत ही कम चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी फ्रेगनेंस जैसी की तैसी बनी रहती है। ठीक है, इसके बाद है भृंगराज लीफ पाउडर। तो सेम ये भी इसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम और इसका प्राइस है 107, 107 रुपए का ये आपको एंड शाइनी दिखाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी होती हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दें। एंड इसके बाद है शिकाकाय पाउडर, सेम इसकी भी क्वांटिटी 50 ग्राम है और इसका प्राइस है 97 रुपीज़।
ये एक न्यूली लॉन्च ब्रांड है जो कि 100% आपको प्रोडक्ट दे रही है, तो यहाँ से आप ज़रूर रिसीव कीजिएगा। एंड इसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम, प्राइस है 97 रुपीज़। और इसके बाद आता है आंवला पाउडर। तो यहाँ पे 5 मैंने आपको हेयर के लिए प्रोडक्ट दिखाए हैं जो कि पाउडर बेस में है। तो यहाँ है आंवला पाउडर, ये भी नो एडेड केमिकल नेचुरल हेयर केयर। एंड साथ में इसका जो वेट है वो भी 50 ग्राम है और 97 रुपीज़ है। तो यहाँ पे मैंने अपने सभी सेम्यू ब्रांड के जितने भी हेयर एंड स्किन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट थे उनका रिव्यू कर दिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो सेम्यू ब्रांड एक 100% नेचुरल ब्रांड है जो कि न्यूली लॉन्च हुआ है, और इनके प्रोडक्ट ज़्यादातर मैंने यूज़ किए हैं। पपाया जेल यूज़ कर लिया है एंड साथ में कुकुम्बर जेल यूज़ किया था। शैम्पू और हेयर ऑयल मैं यूज़ कर ही रही हूँ तो मुझे उसका रिजल्ट काफी अच्छा मिला है। आपके हेयर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, डैंड्रफ है एंड हेयर फॉयल है, तो बाकी सबको ये अच्छे से खत्म कर देगा क्योंकि ये 100% नेचुरल है। आपको 100% नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट रिसीव कराएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। एंड अगर इसमें से आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छे लगे हो या फिर आप ट्राई करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने इनका लिंक दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप इन्हें जरूर लीजिएगा। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।